नमस्कार, मैं नरेश सिंगल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कुछ ऐसी बात की जो हम सबसे जुड़ी हुई है। कई बार हमको कर्जा मिलता नहीं है या हम कर्जे में हो जाते हैं। कई बार हम चाहते नहीं हैं फिर भी लोन हो जाता है। कई बार हम चाहते हैं कि हमें लोन मिल जाए, वो नहीं मिलता। कई बार हम चाहते हैं कि अगर ये लोन हमें मिल जाए, फ़लाँ अमाउंट हमें मिल जाए, तो हम अपना करियर बना लेंगे, हम फ़लाँ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप पंडित जी के पास जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो अब सही सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हर्डल्स होती है। ठीक ऐसे ही जैसे एक बहुत बलशाली व्यक्ति हो, एक बॉडी बिल्डर हो, मसल्स मैन हो, और उसको आप जंजीर से बांध के बिठा दें तो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा गाली दे सकता है, यानी उसकी ताकत किसी काम की नहीं रही। ठीक उसी प्रकार यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, आपका सब सही है, आप अपने प्रोफेशन में मास्टर भी हैं, बावजूद इसके यदि घर के नॉर्थ में या ऑफिस के नॉर्थ में कोई समस्या है, तो वो यही मान के चलिए उस पहलवान वाला हिसाब हो जाएगा आपके, उसको ग्रहण लग जाएगा। आपकी जो भी काबिलियत है, जो भी आपका टैलेंट है, आपकी जो भी मास्टरी है, तो किस रूप में आप पहचान सकते हैं उसको? पहली बात, आपके ऊपर कर्जा होने की संभावना है। दूसरी बात, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, अवसर ही नहीं मिल रहा, सुअवसर ही नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा। आप अपने टैलेंट को दिखाएंगे कहाँ पर? सपोज किसी तरीके से आपको मिल भी गया, आपके अंदर एग्जीक्यूट करने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, या उसको प्रमोट करने की जो क्षमता होती है, या जो आप प्रमोट करना चाहते हैं, या जिस लेवल पे वो प्रमोट होना चाहिए, जो आपको उसकी एक भूख है या जिसको आप डिजर्व करते हैं, तो वो भी नहीं मिलेगा, तो डिजायर रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नॉर्थ दिशा जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, सीधे सीधे पैसे की दिशा है, कुबेर और लक्ष्मी की, लिक्विड इनकम भी और डेली इनकम जिसको हम बोलते हैं, और FD भी, यानी धन का संचित होना, यानी उसको फिक्स एसेट में कन्वर्ट होना, वो भी नॉर्थ दिशा की वजह से ही आता है। तो थोड़ा सा ये नॉर्थ दिशा के लिए मैंने आपको बोला, ध्यान रखिए, आप इसको ठीक किया तो आज के संदर्भ में, आज के जो समय है, पैसे से हम सब कुछ होता है, तो लक्ष्मी जी की आरती में आता है कि तुम्हें बिना यज्ञ ना होता, यानी पैसे के बिना तो हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, हम हवन भी नहीं कर सकते, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, तो फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेंगे? तो इसलिए नॉर्थ दिशा का बहुत ध्यान रखिए, सेंसिटिव डायरेक्शन है। थैंक यू वेरी मच।